नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। केंद्र सरकार ने गर्भपात संबंधी नए नियम नोटिफाई किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी नए नोटिफिकेशन में अब कुछ खास मामलों में गर्भपात की सीमा 20 हफ्तों से बढ़ाकर 24 हफ्ते यानी कि 5 महीने तक कर दी गई है। आपको बता दें कि संसद में पारित गर्भ का चिकित्सकीय समापन विधेयक 2 के तहत इन नियमों को लागू किया गया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नियम 2021 के मुताबिक इन कैटेगरी में यौन उत्पीड़न, रेप, दिव्यांग महिलाएं शामिल हैं। नए कानून के तहत यौन उत्पीड़न, रेप, इंसिस्ट की शिकार महिलाएं, नाबालिग महिलाएं, प्रेगनेंसी के दौरान वैवाहिक स्थिति में बदलाव, दिव्यांग महिलाएं और मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाओं को 24 हफ्ते तक गर्भपात की अनुमति दी गई है। इसके अलावा फेटल मैलफॉर्मेशन, आपदा या फिर आपातकालीन स्थिति में भी प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते तक गर्भपात करने की इजाज़त दे दी गई है। बता दें कि पुराने नियम के मुताबिक 3 महीने के गर्भपात के लिए एक डॉक्टर, 5 महीने के गर्भपात के लिए 2 डॉक्टर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब गर्भपात की समय सीमा 5 महीने कर दी गई है। और अगर विषम परिस्थितियों में गर्भपात 6 महीने में कराने वाली स्थिति भी पैदा होती है तो इसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन होगा और उसमें महिला के स्वास्थ्य को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी कि PFI की एग्जीक्यूटिव निदेशक पूनम मुटरेजा ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि विज्ञान और चिकित्सा तकनीक के क्षेत्र में हुई तरक्की के मद्देनजर गर्भपात की नए समय सीमा सभी महिलाओं के लिए होनी चाहिए, सिर्फ विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए नहीं। आपको बता दें कि राज्य स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन महिलाओं द्वारा गर्भपात कराने के रास्ते में रुकावट बन सकता है, क्योंकि कई महिलाओं को बहुत बाद में अपने गर्भवती होने का पता चलता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।